बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको ONN फेसबुक के लाइव में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम नथिया गली में हैं और नथिया गली का मौसम हस्ब तवक्को बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला। और इस जिस जगह में हम हैं ये हमारा हाउस है और ये भी इंतहाई खूबसूरत है, कदीम इमारत है। और धुंध भी यहाँ पर आज छाई हुई है, सावन पूरी तरह अपने आबोताब के साथ अपने असरात अपने मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। जहाँ खूबसूरत दरख्त हैं, जहाँ खूबसूरत मौसम है, वहाँ ये जो जगह है ये भी बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी। और इस प्यारी खूबसूरत जगह में हम आपकी इस मुलाकात भी चंद खूबसूरत लोगों से करवाएंगे, लेकिन मौसम बड़ा शानदार, दिल को छू लेने वाला मौसम। और ऐसा मौसम कि हर आदमी की आज पाकिस्तान में ये ख्वाहिश है, आरजू है, तमन्ना है कि इस शदीद गर्मी में इस मौसम में वो जाए और लुत्फानंदोज़ हो। यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर बिल्कुल बहुत कम है, ठंड बल्कि हल्की हल्की आप कह सकते हैं कि ठंड भी है। और ये नथिया गली का ये ताज़ा तरीन मनाजर हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नथिया गली छावनी से, नथिया गली के ऊपर जो छावनी है वहाँ से इंतहाई खूबसूरत मनाजर। और इस खूबसूरत मनाजर के दौरान जिस जगह पर हम हैं ये भी बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर हमारे कुछ मेहरबान कुछ मोहतरम भी हैं, इंतहाई प्यारी नफीस शख्सियत हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब जावेद अरशद साहब, चीफ कंजर्वेटर रिटायर्ड हैं महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के, और इनका तलक भी एबटाबाद से है। इतफाक से हमें यहाँ पर ये मिल गए हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे जी इस मौसम के हवाले से? एबटाबाद में तो गर्मी है माशाल्लाह। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, इधर आने का जो मकसद था वो सिर्फ आपका दीदार, आपसे मुलाकात थी, क्योंकि आप जब उम्र पे गए थे उस वक्त मेयर खुर्शीद साहब आए थे, उसके बाद फेस टू फेस मुलाकात ना हो सकी जी। तो आज आकर इस मौसम में इंतहाई इंजॉय किया, इंतहाई मज़ा आया। इबाद की जो आप इन्वायरमेंट है, जो शोर शराब है, पॉल्यूशन है, जो ट्रैफिक है, उससे यहाँ कर माशाल्लाह इतना इंजॉय किया, इतना पीसफुल, इतनी अच्छी क्लाइमेट, इतना अच्छी इन्वायरमेंट, इतना अच्छा माहौल, छोटे छोटे बादल हर तरफ निकले हुए जी जी, मौसम इतना अच्छा। तो माशाल्लाह ये जो इलाका है ये जन्नत से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ, जन्नत नज़ीर है, जन्नत नज़ीर है। और फिर आप जैसे लोग यहाँ पे मिल जाए तो ये जो मज़ा ये दुबारा हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे ये जो क्लाइमेट है, ये जो फॉरेस्ट है, इनको अल्लाह ताला कायम रखे, दिन रात दुनिया इस इलाके को तरक्की दे। और आप जैसे जो रिपोर्टिंग वाले लोग हैं जो सही, तो आप भी कोशिश करते हैं कि जो रियल चेहरा है वो किसी भी डिपार्टमेंट का वो सामने आए। तो रियली बड़ा इंजॉय किया, और जितनी थकन थी ना माशाल्लाह वो ख़त्म हो गई है, एक साल की वो यहाँ आकर ख़त्म हो गई है। और आपसे मिलकर खुर्शीद साहब का इनके साथ आकर बहुत इंजॉय किया। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे और इस जन्नत को अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे और इसकी तरक्की दे। चलें जी नाज़रीन, ये थे जावेद अरशद साहब जो कहते हैं कि एक साल की थकन एबटाबाद की गर्मी और सारी थकन यहाँ नथिया गली में आकर ख़त्म हो गई है। और वाकई मौसम ही नथिया गली का आज बड़ा शानदार है, बड़ा खूबसूरत है। और इस खूबसूरत मौसम में जो भी यहाँ आता है वो ना सिर्फ लुत्फानंदोज़ होता है बल्कि सुहानी यादें लेकर यहाँ से रुखसत होता है। आज की हमारी इस मुलाकात और इस आज की इस ट्रिप या आज की इस नथिया गली टूर के हमारे मेज़बान खुर्शीद साहब, इंतहाई नफीस शख्सियत खुर्शीद साहब, बड़ी नवाजिश जी खुर्शीद साहब, SDFO महकमे जंगलात में, और इनको भी नेचर से बड़ा लगा हुआ। खुर्शीद साहब, इस माहौल के हवाले से क्या कहेंगे जी? शुक्रिया सरदार साहब। और नाज़रीन, ये तेज़ बारिश भी शुरू हो गई है यकदम बारिश जी। मिलने आपका दीदार करने और अपने साहब